আমাকে শোনো, আমি কোথায় আছি হারাই, আমি বলবো তোমাকে আছি আমি না গদল নাই। যদি তুমি আমাকে বলো আমি কোথায় রয়েছি দাঁড়ায়, আমি বলবো তোমাকে আছি আমি সেই মেলায়। হ্যালো দোস্তু, স্বাগত হ্যাঁ আপ লোগো মেরে চ্যানেল পে। আর আজকে এস ভিডিও পে আপ লোগো মে এক ইম্পর্টেন্ট চিজ শেয়ার করনে ওয়ালা হুম। আজ মে বাতাউঙ্গা মাস্টারিং এন্ড মিক্সিং কে বারে মে দোস্তু। সো দোস্তু, মানে 4-5 মহিনে পহলে এক গানা রিলিজ কিয়া থা, জো কি বাংলা গানা মেলা পখানজু মেলা অ্যান্থম কে উপর থা। এন্ড ইয়ে গানে মে মানে কিস তরিকে কা কাম কিয়া হ্যায়, কেসে মাস্টারিং কি হ্যায়, মিক্সিং কেসে কি হ্যায়, রেকর্ডিং এন্ড অল, সব সারি চিজে মে আজ বাতাউঙ্গা থোড়ে থোড়ে পার্ট পার্ট মে। एंड सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। सो कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं एक्चुअली मास्टरिंग में, एंड ऐसे कौन से प्रीसेट्स होते हैं जो कि आप बिना ज़्यादा जानकारी के भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर में ये आप लोगों को करके मैं बताऊँगा। सो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें कि मास्टरिंग एक्चुअली में सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे की जाती है। सो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपन कर लेंगे एप्पल स्टूडियो। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये मैं करीब 5 महीने पहले बनाया था। मेला के ऊपर मैंने ये गाना लिखा था बंगाली में। आई थिंक आप लोग को समझ में ना आए ये, बट स्टिल आप जो नॉन बंगाली हैं आप लोगों को फिर भी ये पसंद आएगा आई होप। सो मैं सारे चीज़ें शॉर्ट में बताऊँगा। एंड दोस्तों, थोड़ा बग हो सकता है क्योंकि मैं ये लैपटॉप में कर रहा हूँ। सो लैपटॉप में ये हैवी सॉफ्टवेयर है, सो उतना कर नहीं पाता है, दे नहीं पाता है। सो देखते हैं सबसे पहले जो इंट्रो पार्ट है, इंट्रो पार्ट में देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं ये इंट्रो लीड लिया हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी को, यही पैटर्न को मैं पूरे गाने में यूज़ किया, थोड़ा बहुत फेरबदल करते हुए। ठीक है दोस्तों, सारे गाने नॉर्मली ऐसे ही होते हैं, एक पैटर्न आपको ढूंढना होता है। ठीक है, जैसे कि ये पैटर्न है, ये पैटर्न मैंने खुद से इसको बनाया। ठीक है, ये पैटर्न मैंने खुद से बनाया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये मैंने ए माइनर डाला है यहाँ पे। चलिए कॉर्ड में नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बनाया जैसे नीचे, उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दिया ऊपर में। ठीक है, एक पैटर्न मैंने इंट्रो में डाल दिया। ठीक है, इसको तो इसको मैंने देखिए नेक्सस में बनाया था। सो नेक्सस इसका जो सेट है वो डाउनलोड करने मिल जाता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप भी चलाते हैं एफएल स्टूडियो। सो नेक्सस में कई सारे अच्छे अच्छे साउंड इफेक्ट्स होंगे। सो उस पर मैंने ये बनाया था एंड उसको मैंने ऐड कर दिया इंट्रो पार्ट में, लीड पार्ट में। देखिए, ठीक है, ये लीड पार्ट हो गया। सो आगे सुनते हैं। सो दोस्तों, इसका मैं बता दूं आपको, ये जो पैटर्न वन देख रहे हैं, ठीक है, ये गाने में, पूरा गाने में ये बजता है। तो एक बार मैं गुनगुना रहा था तो मुझे अचानक से ये धुन मुझे मिल गया था, तो मुझे लगा कि ये गाने में मुझे ऐड करना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगेगा एंड रियली में अच्छा भी लगा। तो इसी तरीके से गुनगुनाने से ही आइडिया मिलते हैं। अगर आप कोई गाना आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप गुनगुनाते रहिए, तो आपको नए नए आइडियाज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो आप इफेक्ट देख रहे हैं ये वेव इफेक्ट है। राइट लेफ्ट कान से राइट में आता है, फिर राइट से लेफ्ट में आता है, तो मैंने इसमें डाला है देखिए यहाँ पे। तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, लेफ्ट टू राइट कर सकता हूँ, मिडिल में रख सकता हूँ, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, पैटर्न 5 यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये बैकग्राउंड यहाँ पे मैंने डाला, देखिए सेम ये जो है इसका जो पैटर्न है उसी को मैं कॉपी पेस्ट करके दूसरा इसमें इफेक्ट डाल के यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। ठीक है, एंड यू नो कोई भी गाने के पहले आपको ध्यान रखना है कि बीट, उसका बीट हमेशा टेम्पो सेट करके उसका बीट बनाने की कोशिश करना सबसे पहले, क्योंकि बीट्स अगर बन जाते हैं उसके बाद बाकी चीज़ें यू नो उसके तरीके से काफ़ी इजी हो जाते हैं। सो इसलिए बीट को सबसे पहले बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, उसके बाद हाई हैट जो कि क्लैप साउंड आते हैं पीछे में, जैसे आप सुन सकते हैं यहाँ पे, ये भी मैंने डाला है। ठीक है, ये
ये क्लैपिंग मैंने डाला था एंड बेस गिटार सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, ये जान लाता है गाने में, तो मैंने इसमें बेस भी यूज़ किया है। देखिए तो ये मैंने हल्का सा बेस डाला है एंड सब बेस भी होता है दोस्तों, जैसे हम कोई गाना गाते हैं कोई वर्ड बोलते हैं तो उसके पीछे भी एक बेस होता है, अलग बहुत हल्का सा बेस रहता है। सो वो मैंने नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी बेस यूज़ कर चुका था इसमें, तो और ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि बीट में भी ऑलरेडी बेस था, सो मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़ा। सो आगे देखते हैं, अब वोकल पे जाते हैं। ठीक है, अब मैं वोकल के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि बाकी आप लोग समझ चुके होंगे कि पैटर्न एक बना लेंगे उसके बाद बाकी पैटर्न काफ़ी ईजी हो जाता है, बस आपको पेस्ट कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसको फेड बदल करते हुए दूसरा इफेक्ट डालते हैं। सो अब मैं बताऊंगा वोकल के बारे में, तो मेन वोकल आपको मैं सुनाता हूँ। যদি তুমি আমাকে শোনো আমি কোথায় আছি হারায় আমি বলবো তোমাকে আছি। तो ये है मेन वोकल। ठीक है, तो इसके साथ मैंने और बाकी तीन वोकल डाला है दोस्तों, ये अलग अलग मैंने रिकॉर्ड करके डाला है। ठीक है, बाकी आपको मैं सुना देता हूँ। तो देख सकते हैं ये क्या है, एक अलग से रिवर्ब दे रहा है गाने को, एक 3D इफेक्ट दे रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अलग से ये डाला। ठीक है, अब मैं वोकल के बारे में बात करता हूँ, वोकल में मैंने क्या डाला है। तो दोस्तों ये भी इक्वलाइजर पार्ट है, यहाँ पे मास्टरिंग होती है। ठीक है, मास्टरिंग आपको क्या करनी है, वोकल में ही मास्टरिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो मास्टरिंग वो वोकल में होता है, आपका आवाज़ में मास्टरिंग होता है। तो ये मेरा मेन वोकल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला है, देखिए यहाँ पे मैं कितने सारे इसमें इफेक्ट्स डाले हैं एंड EQ बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले मैं सबको बंद करके आपको सुनाता हूँ। ठीक है, सबको मैंने बंद कर दिया एंड आप सुनिए। যদি তুমি আমাকে শোনো আমি কোথায় আছি হারায় আমি বলবো তোমাকে আছি আমি না গো দোনায় যদি তুমি আমাকে শোনো। देखिए एकदम ड्राई लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया है एंड यू नो इसमें पॉलिश भी नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं मास्टरिंग से तो भी वोकल कितना निखर सकता है। यू नो वोकल आपको गाना तो अच्छा गाना पड़ता है, उसके बाद काफ़ी इजी हो जाता है मास्टरिंग अगर गाना आप अच्छी तरीके से गाए हैं। ठीक है, इसमें वोकल में आप सारे प्रीसेट में डाल देता हूँ फिर से। इसमें मैंने रिवर्ब नहीं डाला है दोस्तों, मैं क्यों नहीं डाला वो भी जल्दी से आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने क्या क्या डाला है, EQ सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, EQ मैंने इसमें किया है। EQ क्या होता है, EQ में जो लोअर फ्रिक्वेंसी है, जो फ्रिक्वेंसी फालतू है, जैसे हम कोई भी आवाज़ बोलते हैं, ठीक है, कोई भी आवाज़ हम जैसे बात भी करते हैं उसमें फ्रिक्वेंसीज होती हैं। सो फ्रिक्वेंसीज को हमें जो फालतू फ्रिक्वेंसी है जो जो कि नॉइस क्रिएट कर रहे हैं उसको हमें हटाना होता है। ठीक है, EQ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आप लोग को, अभी पता नहीं लगेगा। तो EQ में फालतू चीज़ों को, जो फालतू जो आवाज़ है उसको मैंने हटा लिया है। ठीक है, तो उसको मैंने पॉलिश कर दिया। ठीक है, उसके बाद स्टीरियो इफेक्ट दिया है थोड़ा सा इसमें, स्टीरियो में थोड़ा ऐसा लगता है कि चारों तरफ से आवाज़ आ रही है। ठीक है, स्टीरियो में तो मैंने यहाँ पे स्टीरियो डाला है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूटी स्टीरियो है सर। एंड फिर मैंने थोड़ा डिले डाला है। डिले क्या होता है दोस्तों, डिले जैसे कि यदि तुम्हें आमा जैसे मैंने बोला वो बार बार गूंज रहा है, वो डिले है। ठीक है, वो पीछे में व्यस्त रहता है। जैसे आप इवन कोई भी सॉन्ग भी सुनते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड सारे में डिले होते हैं, डिले रिवर्ब सबसे इंपॉर्टेंट होता है सारे गाने में आप सुनते ही होंगे। ठीक है, फिर कंप्रेसर मैंने यूज़ किया है। कंप्रेसर में क्या होता है, इसमें थ्रेशोल्ड आप बढ़ा देंगे तो यू नो आपका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसमें रेशियो होता है, इस कई सारे चीज़ें आपको इसमें सेट करनी होती है। तो उसमें मैंने देखिए यहाँ पे रिवर्ब को मैंने ऑफ़ कर दिया है। रिवर्ब को ऑफ़ क्यों किया है दोस्तों, यहाँ पे मैं ऑलरेडी दो वोकल, जो बाकी वोकल आपको मैंने दिखाया, जैसे यहाँ पे ये मेन वोकल है, ये दूसरा तीसरा एंड ये जो और एक वोकल है मेन वोकल, तो इस ये सारे वोकल्स में मैंने रिवर्ब डाला है, इसलिए मैं अपने जो मेन वोकल है फाइनल वोकल है उसमें मैंने रिवर्ब नहीं डाला है। ठीक है, तो उसको मैंने क्या किया है, जो बाकी हैं उनमें जोड़ दिया है, देख सकते हैं ये जोड़ दे। तो इसमें एक अलग सा ऐसा लगता है कि पीछे में रिवर्ब है, तो अगर मैं इसी में डाल दूँ रिवर्ब को तो ऐसा लगेगा मेरे गाने में रिवर्ब है, तो अच्छा नहीं सुनाता है। एंड इसमें थोड़ा सा मैंने ऑटो ट्यून ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, हल्का सा इसमें ऑटो ट्यून डाला है। ठीक है, देख सकते हैं। सो इसमें जो EQ मैंने डाला है एंड ये EQ
देख सकते हैं पैरामेट्रिक EQ यहाँ पे डाला हूँ। इसमें भी मैंने जो फ्रिक्वेंसीज हैं जो कि काम की नहीं है उसको मैंने हटा दिया है, जैसे यहाँ पे देखे फ्रिक्वेंसीज को मैंने हटा दिया। ठीक है, तो पीक कंट्रोलर जो हम जैसे वर्ड्स बोलते हैं जी, जो कि बहुत हाई होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसीज होते हैं, ठीक है, तो वो सारी फ्रिक्वेंसीज को जो पीक है, जो जैसे पीक आते हैं वो सबको इसने नीचे कर दिया, तो वो कान में ना चुभे, इसीलिए यहाँ पे मैंने एक पीक कंट्रोलर यूज़ किया है। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग को पता लग गया होगा मास्टरिंग क्या होता है। तो मास्टरिंग में इम्पॉर्टेंट होता है EQ, ठीक है, हमें कोई भी वोकल में हम जब पॉलिश करते हैं उसको, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है EQ, उसके जो फ्रीक्वेंसीज है, फालतू फ्रीक्वेंसीज को हटाना होता है, जो फ्रीक्वेंसीज कान में चुभ रहे हैं ज़्यादा, अगर बेस है तो वो बेस को भी उसको नॉर्मल में लाना होता है, ठीक है, उसको इक्विलाइज करना होता है। सो इसीलिए मास्टरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जान लाने के लिए कोई भी गाने में। যদি তুমি আমাকে বলো আমি কোথায় রয়েছি দাঁড়ায়, আমি বলবো তোমাকে আছি আমি সেই মেলায়। থেমে থেমে আমি চলি, আমি হাতে হাতে ধরে ধরে আবার, দিদিমা ঠাকুমা আমার সবার সাথে সাথে চলে চলে আবার। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, इस तरीके का वीडियो मैं लेकर आते रहता हूँ। सो आप लोगों को थोड़ा जानकारी ज़रूर मिला होगा कि कैसे मिक्सिंग एंड मास्टरिंग एक गाने को पूरी तरीके से बदल देता है। सो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, एंड साथ ही साथ एक लाइक करें, एंड प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहता हूँ म्यूज़िक के बेस पे। सो बने रहिए, देखते रहिए, थैंक यू, सेफ रहिए लॉकडाउन की इस वक्त पे, घर पे रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।